ये विगत किसी वर्ष धरी लगातार भाव में टीएमसी टार्गेट कर आसुच्छी बीजेपी नेता मानू एवं नंदीग्राम जेहेतु सबुठ बड़ फाइट वर्तमान चर्चार केन्द्रबिंदु पलटि तेणु रक्तमुखा पलटिंट टीएमसी समर्थक एक्चुअली इट्स अ फैक्ट दैट आपणकर आफ्टर आपणकर 2019 आफ्टर 2019 इलेक्शन से देखुचे बोथ दि पार्टीज आर क्लासिंग टुगेदर एवं सेथरे इन मोस्ट ऑफ दि केसेस दि बीजेपी पीपल हैव सफर्ड लॉस टू ग्रेट एक्सटेंट इन कंपेरिजन टू बीजेपी आपणकर टीएमसी देयर लॉस इज वेरी मिनिमल बट बोथ दि पार्टीज इट्स अ फैक्ट दे हैव फॉट पिच्ड बैटल दिस प्रदीप सिंह कैन नॉट डिनाय एक्चुअली तो जदि आम देखा जे से आपणकर दिस तृणमूल कांग्रेस आम से इंग्लीश दिस तृणमूल कांग्रेस हाज एक्सपीरियंसड दिस ब्लड बाथ जो सीपीएफ लेफ्ट पार्टी जो रूलिंग द स्टेट तृणमूल कांग्रेस पीपल हाड दे हाड सफर्ड ए लॉट बिकॉज दे लॉस्ट द मेनी पीपल बर्तमान दि सेम काइंड ऑफ सीन इज बीइंग रिपीटेड व्हेयर व्हेन द बीजेपी इज ट्राइंग टू गिव ए गुड फाइट टू देम दे आर टारगेटिंग बीजेपी पीपल सो आम कहीपर जो मैंने ये दि टीएमसी पीपल सुड रिफ्रेन फ्रम सच काइंड ऑफ एक्टिविटीज सो दैट एटमोस्फेयर विल प्रिवेल व्हेयर दोज पार्टी दि टू पार्टीज विल हैव ए लेवल प्लेइंग फील्ड But instead of doing that, what the TMC people are doing, that when they are apprehending some threat from BJP, they are creating, I should not say that only TMC is creating, when the two parties, they come to the ground and fight, naturally such classes take place. But ultimately, as it is seen, the TMC people are using state agencies to target the BJP people. So it should not happen in a democratic setup actually. That's the point I want to make.